सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने YouTube वीडियोस में हैशटैग्स लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने वीडियोस में हैशटैग्स लगाते हो तो आपके वीडियो का वायरल होने का चांसेस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अभी के टाइम में जो वीडियो सर्च किए जाते हैं वो हैशटैग से भी किए जाते हैं और जो टाइटल होते हैं उनसे भी किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप अपने वीडियोस में हैशटैग्स लगाते हो तो आपके वीडियो जो होगा वो सर्च लिस्ट में आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, जिससे आपके वीडियोस पर ज्यादा व्यूज आएंगे और आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस में ऐसा देखा कि वो हैशटैग्स लगाते हैं बस अच्छे से नहीं लगाते। तो आप अपने वीडियोस में हैशटैग्स कैसे लगा सकते हो, तो इसी टॉपिक पे मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैं यहाँ पर अपने चैनल के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप हैशटैग्स को किस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिर दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई भी एक वीडियो को चूज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में, चलिए आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने जो हैशटैग्स लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हैशटैग्स कैसे लगाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि जो हैशटैग्स लगाया जाता है वहाँ पर आपको कीवर्ड के बीच में या फिर कोई भी लेटर के बीच में स्पेस नहीं देना है, सबसे पहला पॉइंट है। और जो हैशटैग्स आता है उसके बाद में जितना भी कीवर्ड आपको लगाना है तो वहाँ पे कहीं पे भी हैशटैग्स के बाद या फिर कीवर्ड के बीच में कहीं पे भी आपको स्पेस नहीं देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको हैशटैग्स लगाना है। और इस तरह हैशटैग्स लगाने का तरीका होता है कि आपको कहीं पे भी स्पेस नहीं देना है। आप एक हैशटैग्स लगाने के बाद दूसरे जब हैशटैग्स लगाते हो तो वहाँ पर आपको स्पेस देना है, बट जहाँ पर आप जिस भी कीवर्ड का हैशटैग्स लगा रहे हो उस कीवर्ड के बीच में हैशटैग्स या फिर कोई भी जहाँ पे आप वर्ड लिख रहे हो उस वर्ड के बीच में कहीं पे भी वहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात रही कि आप अपने चैनल पर हैशटैग्स किस तरह से लगा सकते हो। तो दोस्तों, अब चलिए बताता हूँ कि आपको हैशटैग्स कहाँ से ढूंढना है और किस तरह से अपने टाइटल या फिर अपने वीडियो के मैचिंग के अनुसार आपको हैशटैग्स लगाना है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको टाइटल के पास ले जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने अपने वीडियो में कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बताया है। तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपने कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में अपने वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक हैशटैग्स लगाया कॉपीराइट का, एक लगाया कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्या होता है, ये सब मैंने आप देख सकते हो यहाँ पर ये लगाया हुआ है। तो आप इस तरह से अपने वीडियो में इस तरह से आपको हैशटैग्स लगाना है, जिससे कि आपके जो वीडियोस में जो आपने बताया है या फिर जो भी वीडियो में अपने टाइटल में लिखा हुआ है तो उस तरह से आपको मिलता जुलता हैशटैग्स लगाना है, जिससे होगा कि आपका चैनल सर्च रिजल्ट में आएगा और आपका वीडियोस वहां पर रैंक करेगा। तो दोस्तों, आपको इस तरह से हैशटैग्स को लगाना है। तो दोस्तों, अब चलिए बता देता हूं कि आप अपने वीडियो के रिलेटेड वायरल हैशटैग्स को कैसे ढूंढ सकते हो, जिससे आपका वीडियो को सर्च रिजल्ट में लाने का चांसेस बनेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको आ जाना है, उसके बाद आपके वीडियो के रिलेटेड हैशटैग्स यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है, जिससे कि कोई भी होता है तो हैशटैग्स के अनुसार सर्च करता है वीडियो को तो आपका वीडियो वहाँ पर दिख सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर YouTube सर्च बॉक्स में आ गया हूँ। तो यहाँ पर आपको चलिए बता देता हूँ कि आपको किस तरह से हैशटैग्स को सर्च करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको हैशटैग्स लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको चलिए लिख के दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कॉपीराइट लिख दिया, तो आप इसके रिलेटेड आप यहाँ पे जितने भी हैशटैग्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी हैशटैग्स आ रहे हैं इसको सबको आपको यहाँ पे कॉपी करना है, फिर आपके जो भी वीडियो के यहाँ पे मैच कर रहे हैं स्ट्राइक उसको कॉपी करना है, फिर आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना है, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पर ले जाके इसको पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ से जब आप सर्च करते हो तो आपको जितने भी हैशटैग्स मिलते हैं वह सब आपको वायरल हैशटैग्स मिलते हैं, जो अभी लोग सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे उस टाइप के आपको हैशटैग्स मिलते हैं। और अगर आप इस तरह से अपने वीडियोस में हैशटैग्स को लगाते हो और इन सब हैशटैग्स को लगाते हो तो आपका वीडियो रैंक करने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आपने सीख लिया कि आपको हैशटैग किस तरह से लगाना है और किस तरह से आपको सर्च करके हैशटैग्स को यहाँ पर अप्लाई करना है। दोस्तों, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितने हैशटैग्स अपने डिस्क्रिप्शन में लगाना है। तो दोस्तों, यूट्यूब जो अलाउ करता है वो हाईएस्ट 15 हैशटैग्स अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों, आपको वहाँ पर कम से कम तो 3 हैशटैग्स तो लगाना ही होता है,
तो वहाँ पर आप कम से कम 9-10 या फिर 8 इस तरह करके आप अपने वीडियो में हैशटैग्स को लगाना है। और दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपने जो हैशटैग्स लगाना है उसमें क्या करना है कि आपको अपने चैनल का जो होता है ना, तो वहाँ पर आपको अपने चैनल के रिलेटेड हैशटैग्स लगाना है। यहाँ पर पहले आपको हैशटैग लिख देना है, उसके बाद आपको अपने चैनल का नाम लिख देना है बिना कोई स्पेस के। इस तरह से आप हैशटैग्स लगाते हो तो आपके चैनल के नाम को लिख कर अगर कोई सर्च करता है तो आपका चैनल उसको फर्स्ट में शो होगा और आपका वीडियो वो वॉच कर लेगा। तो दोस्तों ये है टोटल हैशटैग्स का फंडा, जिससे आप अपने वीडियो में बिल्कुल अच्छे तरीके से हैशटैग्स लगा के अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हो। सो दोस्तों आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप अपने YouTube वीडियोस में हैशटैग को सर्च करके लगा सकते हैं और बेस्ट हैशटैग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।